Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing improvement in food resources, and this is lecture number 5. पिछली चार क्लास जो हुई है उस पे हमने फूड रिसोर्सेज के बारे में काफी बात की है. सो आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 4 बिफोर वॉचिंग दिस पार्ट 5. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इरिगेशन. तो इसमें इस लेक्चर में हम इरिगेशन की बात करेंगे कि इरिगेशन क्या है और कौन कौन से साधन, कौन कौन से जो फैसिलिटी है इरिगेशन के लिए वो हमारे कंट्री में अवेलेबल है. तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें सीखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज इरिगेशन एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ इरिगेशन एंड द फैसिलिटी ऑफ द इरिगेशन व्हिच इज अवेलेबल टू अस. सो लेट मी डिस्कस अबाउट द इरिगेशन फर्स्ट. व्हाट इज इरिगेशन? So irrigation is nothing else but the method of providing water to the crops. Irrigation, what is this? So irrigation is the method of supplying water to the crops by different means like tube well, canal, well, etc. are called irrigation, right? So method of supplying water, this is called irrigation. By different means there are some tube well, canal, well, pond, you know. So these are different means and by which if you supply water, when you supply water, whenever it is required to the plant, not untimely but timely, that is timely, and timely when the time is at different stages timely. And what is that time? Different stages of growing period, that is different stages of growing period, stages of growing of plants, right? जैसे आप बड़े हुए तो आपको समय समय पर अलग अलग चीजें चाहिए होता है, या समय समय पर खाना चाहिए होता है, पानी पीना चाहिए होता है, हमेशा तो नहीं चाहिए. अब जब आपको प्यास नहीं लगी है तब आपको बहुत ज्यादा पानी पिलाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा. उसी तरीके से क्रॉप को भी टाइम होती है जब इस टाइम पे उनको चाहिए पानी. अब हमेशा पानी नहीं चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो अगर कई बार जब उसको नहीं जरूरत है तब ज्यादा वाटर देने से उसको फायदा होने के बजाय क्या होगा? नुकसान होगा, इट विल बी हार्मफुल. अब सवाल है कि हम इरिगेशन करते हैं और कई बार इरिगेशन हो जाता है. इरिगेशन हो कैसे जाता है? रेनी वाटर. अब ये जो है ये हमारे बस में तो है नहीं. हम चाहें कि अभी हमारे क्रॉप को वाटर की जरूरत नहीं है और रेन हो गई तो आप क्या रोक दोगे? नहीं रोक सकते. तो ऐसी स्थिति में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर डिपेंडिंग अपॉन द मॉनसून. फार्मर्स आर डिपेंडिंग अपॉन द मॉनसून एंड मॉनसून समटाइम्स इज टाइमली एंड समटाइम्स अनटाइमली. समटाइम्स क्रॉप की जरूरत है तब मॉनसून हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब क्रॉप को जरूरत नहीं है और तब मॉनसून हो रही है, जब बारिश हो रही है, रेनिंग हो रही है, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स. इट मीन्स द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज dependent on the monsoon or the rain is sometimes useful and sometimes harmful. You cannot predict and you cannot prevent yourself from the raining day and raining from the cloud. So we cannot say that whenever it is useful and whenever it will be useless. So sometimes useless, sometimes useful, sometimes harmful as well. तो ये हो सकता है अलग अलग सिचुएशन में.
अब क्या हम सिर्फ इरिगेशन के लिए रेनी वाटर पे ही डिपेंड करें या कुछ और भी मीन्स हमारे पास हो सकते हैं? अगर ये इरिगेशन ना हो, अगर ये वाटर ड्रॉप ना हो, अगर रेनिंग ना हो, तब क्या होगा? रेनिंग होना भी जरूरी है। अगर ये ना हो तो ड्रॉट की सिचुएशन होती है। अगर रेनिंग ना हो तो ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वाटर की जरूरत होती है लेकिन वाटर सप्लाई नहीं होती क्रॉप को, या इवन अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि ड्रॉट हो गया। तो ड्रॉट क्या है? DROUGHT, ड्रॉट। ये क्या है? द कंडीशन। अब ये क्या है ड्रॉट, जरा समझे। द कंडीशन ऑफ स्कारसिटी ऑफ वाटर, स्कारसिटी ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स व्हेन एवर दे आर नीडेड, व्हेन एवर इट इज नीडेड फॉर देम, व्हेन एवर इट इज नीडेड फॉर देम। सो ये स्कर्सिटी है वाटर के, यानी नॉट सप्लाई ऑफ वाटर, एंड इन दैट केस इट इज कॉल्ड ड्रॉट। ये कब हो सकता है, ये क्यों हो सकता है? रेनी, दिस इज बिकॉज रेन्स आर अन इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रीजन, और रेन्स नॉट फॉल इन पर्टिकुलर रीजन, देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ ड्रॉट लाइक अकर्स, सिचुएशन ऑफ ड्रॉट लाइक अकर्स। सो वॉट टू डू? वी कैन सप्लाई वाटर फॉर रिमूव दिस सिचुएशन, टू प्रिवेंट दिस सिचुएशन वी कैन सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स, एंड दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। सो इरिगेशन एंड ड्रॉट आर कोरिलेटेड फैक्टर्स, बट देयर इज अ सिचुएशन, सम ऑफ द रीजन्स आर देयर वेयर दे आर फार्मर्स आर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज आर टोटली डिपेंड ऑन रेन्स। देयर इज नो फैसिलिटी, नो ट्यूबवेल्स देयर, नो कैनाल देयर, नो पॉन्ड देयर, नो लेक देयर। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज इन दैट एरिया टोटली डिपेंड अपॉन मॉनसून, दैट इज द रेन्स। सो इन दैट एरिया वी कैन नॉट इरीगेट। इट मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज मोस्टली डिपेंड अपॉन द रेन सिचुएशन। व्हेन एवर देर इज अ रेन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज इफ दे रेन्स इट टाइमली, ऑल्सो देर इज वन फैक्टर दैट टाइमली एंड टाइमली एट डिफरेंट स्टेजेज। सो व्हेन रेन्स अकर एट डिफरेंट स्टेजेज टाइमली, देन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल बी मच हायर देन वॉट वी एक्सपेक्टेड। बट वेन देयर इज ए रेन्स बट नॉट टाइमली, देन सिचुएशन विल बी एडवर्स, एंड वेन देयर इज ए नो रेन, देन देयर इज मोस्ट मोस्ट एडवर्स सिचुएशंस आर देयर, इवन ड्रास्टिक सिचुएशंस आर देयर, नो क्रॉप्स प्रोडक्शन इज देयर। सो प्रोडक्शन कैन बी हाई, कैन बी लो एंड नो प्रोडक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ रेन्स इन मोस्ट ऑफ द एरिया, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज इन इंडिया मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द रेन सिचुएशन एंड मॉनसून एज वेल। बात समझ आ रही है? आ रही है बात समझ में? हाँ। तो ये जितना जो सिचुएशन है इंडिया में, जो रेनी सीजन है, जो रेन पे डिपेंडेंट जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रोज और कॉन्स डिपेंड करता है रेन के सिचुएशन पे और टाइमिंग पे, कि रेन हमारे लिए यूजफुल है कि यूजलेस है।
अभी आप देख रहे हैं इस समय जो है देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे जो कंडीशंस हैं वो रेन की वजह से एडवर्स है और वहाँ जरूरत नहीं है। जैसे शहरों में रेन हो, बहुत ज़्यादा रेन हो जाए क्या होगा, यहाँ पे परेशानी ज़्यादा होगी, यहाँ कोई क्रॉप तो है नहीं। किसी सिटी में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वहाँ वाटर लॉगिंग होगी, सिचुएशन और एडवर्स हो जाएगा, बट वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज होती है, प्लेन्स हैं, जहाँ पे लैंड्स हैं, जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे अगर बारिश होती है तो वहाँ पे इसके लिए फायदे हो सकते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे बारिश हो जहाँ पे फायदे हो ही ना बल्कि नुकसान हो, तो ऐसे सिचुएशन में रेड फ्लड का एक अलग सा सिनोनिम्स बन के रह जाता है कि इस तरह से ये एडवर्स सिचुएशन बनता है और लोगों को परेशानियाँ होती हैं। तो इरिगेशंस के क्या क्या फैसिलिटी हमारे पास है ये हमें जानना है। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के लिए जो बहुत से ज़्यादा मेजर पैमाने पे, मेजर लेवल पे जो है वो क्या है कि रेन पे डिपेंडेंट है। वी आर डिपेंडेंट ऑन रेन्स एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज इन इंडिया मोस्टली डिपेंड्स ऑन रेन सिचुएशन, राइट। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज इन इंडिया प्रैक्टिसेज इन इंडिया आर मोस्टली रेन डिपेंडेंट सो पुअर मॉनसून पुअर मॉनसून पुअर मॉनसून मॉनसून कैन मेक क्रॉप फेलियर फेलियर एज लाइट सॉयल डू नॉट एब्जॉर्ब्स वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो वी नीड टू सप्लाई वाटर एंड सप्लाई वाटर व्हेन टाइमली एट डिफरेंट स्टेजेज। प्लांट्स आर ग्रोइंग एट डिफरेंट स्टेजेज, सो वी नीड टू सप्लाई वाटर एट डिफरेंट स्टेजेज एंड द मीन्स ऑफ इरिगेशंस आर फॉलोइंग। The following means of irrigation are used in India for agricultural practices. ठीक है। सो व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज सो दीज आर, आई कैन राइट लाइक दिस, दीज आर वेल, कैनाल, रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड स्टोरेज रिजर्वायर्स दैट इज कॉल्ड टैंक। ये हो सकते हैं। तो ये रिवर लिफ्ट सिस्टम, कैनाल, वेल भी दो तरह के हो सकते हैं। वेल को दो तरह से हम कह सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, राइट। तो दो तरीके के ये भी हो सकते। सो दिस स्टोरेज कैन बी ऑल्सो इन ट्यूब वेल। रेन वाटर स्टोरेज दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड
वाटरशेड, 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 रिजर्वायर्स, यू नो, सो दीज आर आल्सो द टू टाइप. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन दैट व्हाट इज दिस डगवेल इज. व्हाट डगवेल इज? व्हेन वाटर इज अवेलेबल एट सरफेस स्ट्रेटा, सरफेस ऑफ द, व्हेन वाटर इज, वाटर इज अवेलेबल एट द सरफेस, एट द सरफेस स्ट्रेटा, स्ट्रेटा, राइट. और सरफेस सिंपली यू कैन राइट सरफेस, कुआं जो देखते हैं क्या है, ऊपर के लेवल पे ही है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे नहीं जाना होता है, ये ऊपर के सरफेस पे ही मिलता है. यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दूँ, इच, ठीक है. सो अवेलेबल एट द सरफेस, सो ये एक डगवेल होती है. जैसे कुआं है कहीं पे, आपने 10 फीट 20 फीट की गहराई खोद दी और वहाँ पे पानी निकलने लगा, तो अपर सरफेस ही, बहुत ज़्यादा डीप सरफेस नहीं होता, एक स्ट्रेट लेवल होती है, सो वहाँ पे पानी मिल जाता है. तो उसको ट्यूबवेल क्या होता है कि ये डीप स्ट्रेटा से हम निकालते हैं पानी. व्हेन वाटर इज अवेलेबल, वाटर इज अवेलेबल एट लेवल एट डीप्स, डीप सरफेस, डीप इनसाइड सरफेस, डीप सरफेस ऑफ द अर्थ, यू नो. सो इसको पंप से निकाल के और ट्यूबवेल, इसलिए इसको कहते हैं कि ट्यूब को पंप के जरिए इसको निकाला जाता है. इट इज पंप्ड, पंप टू ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट अपर सरफेस, अपर सरफेस थ्रू ट्यूब्स, इसलिए इसको ट्यूबवेल कहते हैं. कैनाल क्या है? कैनाल के बारे में आपको पता होगा. कैनाल क्या होता है? ये एक इट इज कैनाल इज कैनाल इट इज इट इज अ डैम टाइप ड्रेनेज, ड्रेनेज विच फ्लो वाटर फ्रॉम रिजर्वायर्स, रिजर्वायर्स, ठीक है, बिग रिजर्वायर से वाटर फ्लो होता है. यार ये मेजर मेथड है इरिगेट करने का, ठीक है. व्हेन इनसफिशियंट, इनसफिशियंट वाटर फ्लो इन कैनाल, इन कैनाल, देन रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज टू, रिवर लिफ्ट सिस्टम इज यूज टू मेंटेन द फ्लो, मेंटेन द फ्लो, राइट. ये होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम यूज टू मेंटेन द फ्लो. तो ये होता है यूज टू मेंटेन द फ्लो, रिवर लिफ्ट सिस्टम, थोड़ा सा स्पेस कम है, लिफ्ट सिस्टम इज यूज टू मेंटेन द फ्लो, द फ्लो, राइट. तो ये होता है, कोई बात नहीं. अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? सो दीज आर रेन वाटर एंड वाटर शेड, दीज आर रिजर्वायर्स विच इज यूज फॉर, यूज फॉर स्टोरेज द रेन वाटर एंड इंक्रीज द वाटर लेवल, टू इंक्रीज वाटर लेवल, इंक्रीज वाटर लेवल, लेवल विच फर्दर कैन बी यूज फॉर बाई ट्यूबवेल और डगवेल और वॉट एवर इन लेक और एवरीथिंग एल्स. सो ऑल दीज
types of different means of irrigations. I hope you got it right. Now we are going to discuss the advantages of irrigation. What are the advantages of irrigation and how we will get benefit from the irrigation? So let me explain this. So advantages, we can write here in short, advantages of irrigation. Everybody knows this. What is the advantages? Because it is the method through which waters can be supplied to the crop timely, right? Second, sufficient amount of water required for different type of crop can be regulated easily, right? And the third thing is by proper irrigation channel we can grow many crops in a year or given time period, right? Or irrigation se kya hota hai? It yield production manifold. Production jo hoga wo manifold ho jayega, kai guna badh jata hai. Proper water supply hone se kai guna production badh jata hai. To isliye irrigation ke ye fayde hain. और आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब सवाल है कि हम सीखते हैं कि इरिगेशन करते हैं तो हमने कहा कि मेनी क्रॉप्स एक साल में या गिवन टाइम पीरियड में हम ग्रोन अप कर सकते हैं. क्रॉप का पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पहले बात करते हैं कि व्हाट आर द क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड हाउ वन कैन अंडरस्टैंड दिस क्रॉपिंग पैटर्न. Cropping pattern can be done in various way, right? And one of them, let me write this below. Cropping pattern can be done in various way. Mixed cropping, intercropping, cropping and crop rotation. So these are few cropping patterns in which we can discuss what is this and why. Cropping pattern is what? Cropping pattern is the method in which it is the method by which optimum use of land can be ensured. Optimum use of land can be ensured, right? Ensure. Optimum use of land का क्या मतलब हुआ?
कि हम एक ही लैंड में जो गिवन पीस ऑफ लैंड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग पैटर्न अगर बेहतर करेंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। उसमें मे बी मोर देन वन क्रॉप्स रख हो, या वो भी हो सकता है कि हम उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करें क्रॉपिंग पैटर्न, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न के जरिए, या हम उसमें ज़्यादा इल्ड प्रोडक्शन को बढ़ाएं, ये भी हो सकता है, या हम उसमें ज़्यादा वैरायटी प्रोड्यूस करें, ये भी हो सकता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में कि क्रॉपिंग आपकी कैसी है। एक ही क्रॉप अगर हमने ऐसी ले सिलेक्ट कर लिया जो कि लंबे समय तक एक 8 से 10 महीने में तैयार होते हैं, तो ऐसे में आपका जो लैंड है उसका उतना यूज नहीं हुआ। जबकि हम उसमें मिक्स क्रॉपिंग कर लें, इंटरक्रॉपिंग कर लें, ठीक है 8 महीने में वो तैयार होगा, लेकिन इसके बीच में 2-3 महीने में तैयार होने वाले 2-3 और उसके अंदर हम बीच बीच में इंटरक्रॉपिंग कर लें, बीच बीच में क्रॉप कर लें और उसे तैयार करके उसे बाहर निकाल लें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसमें का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा।